आज के हम बात करेंगे बोन्स के बारे में। तो बोन्स मतलब हड्डी। ये तो आपको पता ही कि मानव शरीर जो है ह्यूमन बॉडी है बोन्स से बनी है ना। आप देखो इस वीडियो में पढ़ने क्या क्या वाले हैं, मैं आपको सारी तरह के बोन्स बताऊंगा, कौन से हिस्से में कितनी बॉडी, किसका पार्ट में कितनी बॉडी, हाथों में कितनी हड्डी, पैरों में कितनी हड्डी है, स्कल में कितनी हड्डी, क्या क्रेनियल बोन होती है, क्या फेशियल बोन होती है, स्पाइनल कॉर्ड में, सब जानेंगे हम इस वीडियो में। सबसे पहले बेटा बोन्स को समझते हैं। भाई बोन्स के बारे में जनरली आप एक ही चीज जानते हो, बोन मतलब हड्डियां होती है, तो सबको पता है। हाँ जी, अब एक बोन जो होती है तीन चीजों से मिलकर बनी होती है बेटा। एक होती है कोलेजन, देखो यहाँ पे लिखा है कोलेजन COLLAG, एक होता है मेरा प्रोटीन और एक होता है मेरा मिनरल्स। तो जनरली बोन आपसे कोई पूछे यार व्हाट इज अ बोन मेड ऑफ, तो आपने बोला बोन इज मेड ऑफ कोलेजन प्रोटीन एंड मिनरल्स। ठीक है, कोलेजन का काम होता है उसको एक फ्रेमवर्क या ढांचा प्रोवाइड करना। मिनरल्स दो तरह के मिनरल्स होते हैं, होता है बेटा कैल्शियम और फॉस्फोरस। आपने सुना होगा ना यार आपकी हड्डियां वीक हो जाती है तो क्या कहते हैं डॉक्टर लोग, या कोई भी आपको क्या रिकमेंड करता है, कैल्शियम की गोलियां खा ले, क्योंकि बेटा हड्डियां कैल्शियम से बनी होती है, अगर कैल्शियम मिलेगा हड्डियों को तो हड्डियां मजबूत होंगी, बात समझ आई। फॉस्फोरस भी होता है पर कम क्वांटिटी में होता है, प्रोटीन भी वैसे एसेंशियल। तो बोन तीन चीजों से मिलकर बना है, प्रोटीन कोलेजन, मिले यहां तक समझ आ गया। ठीक है, अब मैं आपसे सवाल पूछू कि ह्यूमन बॉडी में कितनी हड्डियां होती है। ये तुम बचपन से रट्टा मारते आते ना कि ह्यूमन बॉडी में 206 हड्डियां होती है, पर अगर मैं सवाल को घुमा दू, मैं आपसे बोलूं एक न्यूबॉर्न बेबी की बॉडी में कितनी हड्डियां होती है, तो आपका आंसर बेटा कितना हो जाएगा, 300 बोन्स। अब बाकी बोन जाते क्या, अगर आपने कहा जब पैदा हुए तो 300 बोन्स के साथ, 300 हड्डियों के साथ पैदा हुए, और हमारा 206 क्यों रह गई, क्योंकि बेटा जो बच्चे की बोन्स होती है वो कार्टिलेज से बनी होती है। बाकी जाके जैसे बच्चे की आपने बॉडी देखी हुई न्यूबॉर्न बेबी की, बहुत ज्यादा बॉडी डेवलप नहीं हुई थी, तो ये बोन जुड़ जाती धीरे धीरे करके। तो यंग एडल्ट बेबी में, एडल्ट बच्चे में कम से कम कितनी होती है, 206 हड्डी होती है, न्यूबॉर्न में 300, क्योंकि वो कार्टिलेज से मिलके बना होता है। ठीक है, अब बोन्स को दो तरह से बांटा गया है, एक लिखा गया एक्सियल और एक बोला गया हमारा अपेंडिकुलर। मैंने आपको बताया 206 हड्डियां होती है, एक्सियल कितनी होती है उसमें 80 हड्डियां एक्सियल की होती है और 126 हड्डियां हमारे अपेंडिकुलर की होती है। एक्सियल में क्या क्या आता है बेटा, एक्सियल में सबसे पहले आपका आ गया स्कल। स्कल मतलब आपको पता है खोपड़ी होती है, ये तो पता है, चेस्ट छाती, स्पाइन। बेटा स्पाइन को आप ऐसे समझो कि यार रीढ़ की हड्डी वाला पार्ट जो होता है वो होती है। तो एक्सियल बोन्स कितनी है, 80, किस किस से मिलके बनी है, स्कल से, खोपड़ी, चेस्ट, छाती, स्पाइन, पीछे रीढ़। यहां पे समझ आ गया। अपेंडिकुलर में कितनी है, 126 बोन्स। अपेंडिकुलर में क्या था, आर्म्स, हाथ है हमारे पूरे जो है, लेग्स, पैर पूरे, पेल्विक और पेक्टोरल। बेटा आर्म्स और लेग्स तो आपने सुना ही होगा, पेल्विक क्या होता है बेटा, पेल्विक बोन को ही जनरली हम क्या कहते हैं, हिप बोन। बात समझ आई, पेल्विक बोन को ही क्या कहते हैं, हमारा हिप बोन जो होती है। और पेक्टोरल में क्या आता है, पेक्टोरल में दो बोन्स आती हैं बेटा, एक कौन कौन सी, एक शोल्डर बोन और एक कोलर बोन, से क्लेविकल स्कैपुला भी कहते हैं, आगे हम जानेंगे सब। अब ये देखो कौन से हिस्से में कितनी कितनी हड्डियां होती है, देखो मैंने यहाँ पे लिस्ट बना रखी है। सबसे पहले बात करो स्कल की, खोपड़ी में हमारी बेटा 22 हड्डियां होती है, 8 क्रेनियल होंगी, 14 फेशियल होंगी, आगे जाके समझाएंगे। ईयर में 6 हड्डियां होती है बेटा, हर ईयर में 3 हड्डियां होती है, 3, दो कान होते हैं हमारे, 3 इस तरफ 3 इस तरफ, है ना, मेलस, इंटरस्टेपी, जो भी इनका नाम होता है, आगे समझाऊंगा। 6 हड्डियां होगी टोटल कान में। स्पाइनल कॉर्ड में 33 बोन्स होती है बेटा, कितनी, 33। पेक्टोरल गर्डल मैंने आपको पहले ही बताया बेटा, क्लाविकल या स्कैपुला या शोल्डर बोन बोलू या कॉलर बोन, दो इस तरफ दो इस तरफ 4 होगी। आर्म्स बेटा पूरे आर्म्स हमारे कितनी होती है, 60 हड्डियां होती है, एक में 30 होगी, दूसरे में 30 होगी, दोनों मिला के 30 और 30, 60 हो गई, बात समझ आई। चेस्ट की बात करूं, 26 हड्डियां हमारी चेस्ट में होती है बेटा। पेल्विक गर्डल मैंने आपको बताया बेटा हिप बोन होती है, तो एक हड्डी लेफ्ट साइड होती है, एक हड्डी हमारी राइट साइड होती है। लेग्स में बात करें तो लेग्स में कितनी होती है हमारी, 60 हड्डियां होती है, 30 एक में और 30 दूसरे में। बात अब हम समझेंगे स्कल बोन्स के बारे में ना। देखो स्कल बोन बेटा मैंने आपको बताया कि यार 22 होती है, खोपड़ी सी होगी, देखा होगा CID अगर किसी की डेथ हो जाती है उसके हड्डी निकलता है ढांचा, खोपड़ी सी होती है, तांत्रिक लोगों के पास भी होती है जनरली, देखो स्कल इस तरह से दिखता है ना, रियल में तो ऐसा नहीं दिखेगा आपको। अब स्कल बोन बेटा दो पार्ट्स में बांट गई, 22 हड्डी टोटल है, 8 हड्डी बांटी गई क्रेनियल बोन्स की और 14 हड्डी बांटी गई है फेशियल बोन, है ना, यानी 8 हड्डियां क्रेनियल की, 4 हड्डियां फेशियल। अब क्रेनियल क्या है और फेशियल क्या है, फेशियल मतलब बेटा चेहरे वाला हिस्सा, ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा सब फेशियल में, और क्रेनियल मतलब ये वाला पार्ट और ये पीछे वाला पार्ट। तो बात समझ आ गई, क्रेनियल बोन्स क्यों कहा गया यार, क्योंकि क्रेनियम जो होता है बोनी बॉक्स होता है जिसके अंदर हमारा दिमाग होता है बेटा, क्रेनियम के साथ होता है क्रेनियल बोन्स। ठीक है, अब क्रेनियल बोन्स को समझते हैं, देखो ये 8 क्रेनियल बोन्स है,
ऑक्यूपिटल बोन, दो पैरेटल बोन, एक फ्रंटल बोन, एक टेम्पोरल बोन, एथनाइड बोन, स्पेनाइड बोन, ये सारे के सारे हमारे क्या है, क्रेनियल बोन्स के नाम है। ठीक है, होती कहाँ कहाँ पे सर? आप इसमें देखो, डायग्राम में देखो, सबसे पहले डायग्राम में देखो, ये जो देखो ये है फ्रंटल बोन्स, ये क्या बेटा हमारी, ये देखो फ्रंटल बोन है, एक हड्डी होती है। आप बोलो हमारी कहाँ पे होती है, ये है मेरा बेटा फ्रंटल बोन, माथे वाला हिस्सा फ्रंटल बोन है। ठीक है सर, फिर आती है बेटा पैरेटल बोन, माथे के ठीक पीछे हमारी होती है बेटा पैरेटल बोन, देखो और कितनी होती है, दो हड्डी होती है, एक फ्रंटल बोन, दो पैरेटल बोन। यहां तक समझ आ गई? चलो फ्रंटल बोन हो गया, पैरेटल बोन हो गया, फिर आता है बेटा मेरा टेम्पोरल बोन। बेटा टेम्पोरल बोन कहाँ होती है बेटा, देखो टेम्पोरल बोन अगर मैं यहाँ पे लोकेट कर रही है, यानी कान के हिस्से के आसपास वाली जो बोन होती है बेटा यहाँ पे, वो दोनों के दोनों क्या होती है, टेम्पोरल बोन होती है। यहाँ से समझ आ गया, चलो ठीक है आगे चलते हैं। फिर आता है इथनाइड बोन, इथनाइड बोन बेटा देखो ये रही, हल्का सा अगर आप देखोगे आंखों के अंदर इस टाइप की वहां जगह होती है, वहां इथनाइड बोन होती है। फिर आती है मेरी स्पेनाइड बोन बेटा, स्पेनाइड बोन जो होती है बेस बनाती है, देखो स्पेनाइड बोन यहाँ पे आपकी यहाँ पे है। ठीक है, तो ये सारी की सारी आठ हड्डियां समझ आ गई। एक बार दोबारा बता दूं, देखो एक होती है ऑक्यूपिटल बोन बेटा, ऑक्यूपिटल बोन क्या करती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करती है, बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है बेटा। ऑक्यूपिटल बोन कनेक्ट ब्रेन विद स्पाइनल कॉर्ड। पैरेटल बोन मैंने आपको बता दी बेटा, ये देखो फ्रंटल बोन के ठीक पीछे दो बोन्स होती है। टेम्पोरल बोन का क्या काम है बेटा, टेम्पोरल बोन जो कान को बेटा सराउंड करती है। यहां तक समझ आ गई? तो कोई आपसे पूछे कि यार कौन सी क्रेनियल बोन, आपने कहा ऑक्यूपिटल बोन है, पैरेटल बोन है, फ्रंटल बोन है, टेम्पोरल है, इथनाइड है, स्पेनाइड बोन, बात समझ आ गई सारी की सारी बेटा। अगर स्पेनाइड बोन का कोई फंक्शन पूछे, इट फॉर्म द बेस एंड लेटरल साइड ऑफ स्कल बेटा। ठीक है अच्छा, और इथनाइड बोन क्या है, नेसल कैविटी का पार्ट होती है नाक वाली में। यहां तक समझ आ गया? तो ये आ गया क्रेनियल बोन्स के बारे में आपको समझ। अब देखो फेशियल बोन्स, फेशियल बोन्स मतलब क्या, नाम से ही पता लग रहा है, चेहरे पे होती है, माथा हटा के ठीक है, माथा तो निकाल बोलना। सबसे पहले आती है बेटा लैक्रिमल बोन, लैक्रिमल बोन, लैक्रिमल ग्लैंड सुना आपने, जहां से हमारे आंसू प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ अंदर की तरफ को ना बेटा दो बोन्स होंगी, उसे आप कहोगे लैक्रिमल बोन। यहां तक समझ आ गई? फिर आता है बेटा मैक्सिला, मैक्सिला देखो बेटा ये वाला हिस्सा है, ये नाक के देखो, ये अगर मैं आपको बताऊं मैक्सिला क्या है, ये पूरा हिस्सा मेरा, ये देखो दांतों से ऊपर यहाँ, तो ये पूरा हिस्सा मेरा मैक्सिला है, ये हिस्सा, बात समझ आ गई? ये देखो यहाँ पे मैंने, ये है मैक्सिला मेरा, ये भी दो बोन से बना होता है। फिर नेसल बोन है बेटा, नेसल बोन दो होती है, नाक के अंदर दो बोन्स होती है। फिर आती है पैलेटाइन बोन, ये होती है। फिर होती है जाइगोमेटिक बोन बेटा, जाइगोमेटिक बोन क्या होती है, गाल की हड्डी, देखो ये वाली गाल की हड्डी कितनी होती है, दो, उसे क्या कहते हैं जाइगोमेटिक बोन। फिर आता बेटा इन्फीरियर नसल, कौन सा, ये नाक के अंदर दो हड्डियां होती है। फिर आता मैंडिबल, मैंडिबल क्या है बेटा, जबड़े की हड्डी, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हड्डी बेटा आपकी होती है जबड़े की हड्डी, जिसे आप कहते हो मैंडिबल। फिर आता है वोमर, वोमर क्या होती है, नाक की, देखो बीच वाली हड्डी, बात समझ आ गई? अगर मैं आपको लोकेट करके दिखाऊं, आपने बोला एक बार बता दो कि कौन सी हड्डी कहां पे, देखो यह वाला हिस्सा जो नीले से मैंने कलर कर रखा है, देखो इसे कहते हैं मैंडिबल, यानी जबड़े की हड्डी। यहां तक सही है, एक हड्डी हो गई। फिर आपने बोला कि यार जाइगोमेटिक बोन क्या है, जाइगोमेटिक कौन सी थी, गाल की हड्डी, देखो ये वाला हिस्सा जो, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, देखो ये जो है, ये दोनों हिस्सा, ये कौन सी है, गाल की हड्डी बेटा। फिर आपसे बोला लैक्रिमल, लैक्रिमल मैंने बोला था आंख के अंदर जो होती है, देखो ये केरी, ये केरी, दो हड्डियां ये होगी। फिर आपसे मैंने बोला था इन्फीरियर नसल कौन सा बेटा, नॉस्ट्रिल के पास होती है इन्फीरियर नसल कौन सा, केरी और एक केरी बेटा, यहां तक समझ आ गई? फिर आपने बोला था मुझसे मैक्सिला हो गई, सारी हो गई, लैक्रिमल हो गई, पैलेटाइन बोन बेटा, पैलेटाइन बोन बेटा नाक की हड्डी के इधर इधर आसपास होती है इस साइड को, ये दोनों की दोनों होती है पैलेटाइन बोन, बात समझ आ गया? किस तरह से हमारे स्कल में बोन्स हमारी डिवाइडेड। अब हम समझेंगे लेग बोन्स के बारे में। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हमारी टैक्सियल बोन्स होती हैं, क्या पेंडिकल होती हैं, हमारी बॉडी में 206 हड्डियां किस तरह होती हैं, है ना। फिर मैं फेशियल बोन्स, स्कल बोन मिला के आपको 22 होती है उसके बारे में बताया था, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम समझेंगे लेग बोन्स। देखो लेग बोन्स होती है टोटल 60, हमारे दो पैर होते हैं, तो अगर एक पैर में कितनी होगी भाई, 30 हड्डियां, यानी 30 हड्डी हमारे पैर में किस तरह डिवाइड है वो हम जानेंगे। देखो सबसे पहले एक लेग बोन का डायग्राम बना रखा है मैंने, है ना। देखो अब एक एक करके समझते इसमें कौन कौन सी बोन है। सबसे ऊपर बेटा देखो ये वाली बोन जो होती है फीमर, फीमर को आप कहते हो थाई बोन, यानी जांघ की हड्डी, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, लॉन्गेस्ट बोन भी है, बात समझ आएगी ना। ये पेल्विक गर्डल से जुड़ी होती है, यानी हिप बोन से जुड़ी होती है हड्डी, ठीक है, यहां तक समझ गया। फिर आता है थोड़ा नीचे चलो, फिर आते नी यानी घुटना,
तो नी में कैडी होती है हमारी पटेला जिसे कहते हैं, एकदम घुटने पे होती है, ऐसे नी कैप भी कहते हैं। आपने कभी हॉस्पिटल में सुना भी होगा लोगों के मुंह से, यार हमने कटोरिया बदलवा रहे घुटने की, तो वो कौन सी वाली हड्डी होती है? पटेला होती है, ठीक है। तो पहली हड्डी होगी फीमर, दूसरी होगी हमारी नी कैप या फिर पटेला, यहां तक ठीक है। अब घुटने से नीचे आप चलो, ये दो हड्डियां दिख रही है, ये वाली और एक ये वाली बेटा। इस हड्डी को हम कहते हैं टीबिया, जो मोटी वाली हड्डी उसे कहते हैं टीबिया, पीछे की तरफ को होती है, और ये पतली हड्डी इसको सपोर्ट करती है, इसे क्या कहते हैं हम? फिबुला। अच्छा देखो, टीबिया और फिबुला जो है ना आपस में जुड़ी होती है बेटा, एक यहाँ पे जुड़ी है और एक यहाँ पे जुड़ी है। यहाँ पे जुड़ी होती है इसे कहते हैं सुपीरियर टिबुलो फिबुलर जॉइंट, ये बोन का नाम ही है, जॉइंट का नाम है, सुपीरियर टिबुलो फिबुलर जॉइंट। देखो टीबियो टिबुला से है, टिबुला से है टीबियो, फिबुला से है फिबुलर, तो सुपीरियर, और यहाँ वाले जॉइंट को हम कहते हैं इनफीरियर सुपीरियर टिबुलर जॉइंट। देखो ये वाला बात समझ आ गई। चलो अब आप चलो देखो यहाँ तक पैरों की तरफ चलो, पैर है इसमें बेटा तीन, अगेन कितनी हड्डियां होंगी? तीन तरह की हड्डियां होती हैं, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लांजिस। एक बार मेरे पीछे आप बोलो, टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लांजिस। टार्सल हमारी होती है सात, मेटाटार्सल हमारी होती है पांच, फ्लांजिस हमारी होती है 14। टार्सल कौन सी हड्डी होती है हमारी? एडी की हड्डी है। आपने पैर पे महसूस करो एडी की हड्डी, वहां पे देखो आप सात तरह की टार्सल होती है, इसे क्या कहते हैं? एडी की हड्डी। फिर पंजे की हड्डी कितनी होती है हमारी? पांच, जिसे आप कहते हैं मेटाटार्सल। और अगर मैं पैर की उंगली की बात करूं तो हमारी कितनी होती है? 14। तो सब मिला के अगर आप एक बार ध्यान से देखो, एक हड्डी हो गई फीमर की, एक हो गई पटेला की दो, एक हुई टिबिया तीन, फिबुला चार, सात आपकी टार्सल 11, पांच आपकी मेटाटार्सल 16, और 14 आपकी बेटा फ्लांजिस। सब मिला के हमारी बोन्स में कितनी हो, लेग्स में कितनी हड्डी होगी? 30। और दो हमारे पैर होते हैं, 30 को दो से मंडला है, टोटल लेग बोन हमारी कितनी होती है? 60। अब हम समझेंगे स्पाइन बोन्स के बारे में। देखो स्पाइन जनरली होती क्या है, जैसे आप बैकबोन बोलो, जैसे आप बेटा रीढ़ की हड्डी बोलो, जैसे पीठ वगैरह में होती है ना ये वाला पार्ट, ये वाला पीछे का होता है, वो एक स्पाइन बोन। जनरली देखो स्पाइन बोन एक सांप की हड्डी की तरह दिखती है, सांप की तरह दिख रही है ऐसे ऐसे करके। इसके कितने पार्ट होते हैं हमारे? देखो एक पार्ट होता है मेरा सर्वाइकल बेटा, मतलब C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, सात बोन्स आती है किसमें हमारी? देखो यहाँ लिखा भी है मैंने, सर्वाइकल में कितनी बोन्स आती है हमारी? सात। फिर नेक्स्ट पार्ट होता है बेटा थोरेसिक का, थोरेसिक में कितनी बोन्स आती है? देखो T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी 12 बोन थोरेसिक में आती है। नेक्स्ट पार्ट होता है बेटा लंबर, L1, L2, L3, L4, L5। नेक्स्ट हमारा होता है सैक्रम, S1, S2, S3, S4, 5 बोन्स में होती है, और लास्ट हमारा टेल बोन यानी कॉकिक्स होता है। हम जानेंगे एक्चुअली होती क्या क्या चीजें हैं कैसे। सबसे पहले अगर मैं आपके बताऊं तो स्पाइन को बेटा टोटल ना 33 वर्टिब्रे में बांटा गया। वर्टिब्रे का मतलब ही कलेक्शन ऑफ बोन्स होता है। अगर मैं आपसे जनरली बताऊं ना, इस पूरे को वर्टिब्रा नहीं कहते पूरा बेटा, ठीक है। अब टोटल 33 वर्टिब्रे होती है, और बोन्स कितनी होती है? 26, क्योंकि छोटे छोटे वर्टिब्रे मिला के बेटा बड़ी बोन बना लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई आपसे पूछे टोटल वर्टिब्रे कितनी है? 33। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन स्पाइन 26। अब स्टार्ट करते हैं, यहां से हमारा वीडियो स्टार्ट हो। सबसे पहले हम चलते हैं बेटा क्लीवस पे। क्लीवस होती है बोन एट द बेस ऑफ स्कल, खोपड़ी होती है उसकी बेस में, पीछे वाले पार्ट को कहेंगे उसे हम कहते हैं क्लीवस। फिर आता हमारा एटलस एक्सिस, पहली पहली बोन है भाई, पहली बोन जहां से स्टार्ट होती है स्पाइन की वो एटलस है, दूसरी एक्सिस है, और ये C1 से C7 का हिस्सा कहलाता है मेरा सर्वाइकल। अब आपने कहा सर्वाइकल कौन सा हिस्सा? नेक वाला, गर्दन वाला हिस्सा सर्वाइकल है। आपने सुना होगा बेटा कि सर्वाइकल पेन हो रहा है, जनरली इसमें पट्टा लगा जाता है, तो जनरली मेरा नेक वाले हिस्से में दर्द होता है। तो कहां से कौन सी बोन्स होगा? C7 से लेके C1 तक की बोन्स में ये होगा। फिर नीचे वाले पार्ट पे चलो, आप चलो थोरेसिक पार्ट पे बेटा, T1 से लेके T12 तक, इसका मतलब क्या है? 12 बोन्स है। थोरेसिक होता कौन सा पार्ट है? थोरेसिक वो पार्ट होता है जहां पे हमारी रिब्स कनेक्ट होती है। देखो रिब्स वाला हिस्सा होता है, देखो ये रिब्स दिख रही है, पर रिब्स के पीछे वाला हाफ फ्रंट में नहीं, पीछे साइड जो होती है 12 पेयर ऑफ रिब्स होती है, और ऐसे करके कनेक्ट होती है किस पे? हमारे थोरेसिक पे। बात समझ आ गई नहीं आ गई? ठीक है। नेक्स्ट हमारा लंबर, लंबर में आप देखो L1, L2, L3, L4, L5 सबसे बिगेस्ट वर्टिब्रे बेटा। जनरली आप इनका साइज देखोगे ना, देखो इसका साइज बड़ा है कंपेयर टू इन वर्टिब्रे से देखो, तो लंबर क्या है? बिगेस्ट वर्टिब्रे है। कितनी होती है? 5। फिर मैं आपसे बात करूं, नेक्स्ट हमारा चलता है सैक्रल, ये भी कितनी बोन्स? सैक्रल बोले हैं, सैक्रम एक ही बात है, 5 बोन्स से बनी होती है। बट अगर आप छोटे बच्चे हो
तो कितने बोन्स होती है इसमें साइकिल में? 5 बोन बेटा, है ना। और इसी को आप बेटा हिप बोन भी कहते हैं, हिप रीजन भी कहते हो, ठीक है ना। बड़े होके क्या है, छोटी छोटी बोन्स इकट्ठी आती है, और हिप बोन कितनी रह जाती है, एडल्ट की बात करो उसमें कितनी हिप बोन होती है? एक, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। पर आप जनरली अगर बात करो इसकी, क्या कहते हैं, इसकी एक बच्चे की, तो उसमें कितनी हिप बोन होगी या सैक्रम होगी? 5 बोन होगी। बात समझे? लास्ट वाला हिस्सा है कॉकिक्स। कॉकिक्स बच्चों में होती है बेटा 4, एडल्ट में एक। कॉकिक्स वाला होता है हमारा टेल बोन, टेल बोन, है ना। पहले जमाने में आदिवासी थे, जब बहुत पुराने टाइम की बात है, तो वहां पे क्या हमारी टेल भी होती थी, ये बोन फंक्शनल थी। अब बेटा एक वेस्टिजियल ऑर्गन आ गई। वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो पहले के जमाने में काम करते थे, बट अगेन इवोल्यूशन हुआ और उन चीजों का बेटा कोई यूज नहीं रह गया, तो ये कॉकिक्स वाली बोन है। बात समझ आ गई नहीं आ गई? तो ये देखो, अगर आप टोटल सम करो, सर्वाइकल में 7 हड्डी हो गई, 12 हड्डी हमारी किसमें हो गई, थोरेसिक में 19, 5 लंबर 24, एक 25 और एक 26। तो टोटल हमारी कितनी बोन्स बन रही है इसमें? हमारी 26 बोन बन रही है। अगर आपसे कोई पूछेगा यार कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, है ना, इस पूरे को मैंने आपको बार बार बता रहा हूं, पूरे को डायग्राम को कहते हैं हम वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है ना। इसका अगर आपसे कोई फंक्शन पूछे, पहला लिखा है इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू स्पाइनल कॉर्ड। जो वर्टिब्रल है होता है बेटा, एक खोखला होता है, मतलब ऐसे खोखला टाइप के होते हैं, सारे खोखले खोखले टाइप के होते हैं। तो इसके अंदर से देखो, ये जो जा रही है पूरी की पूरी, ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। तो सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देती है। दूसरा सपोर्ट हेड बेटा, जो हमारा हेड होता है उसको सपोर्ट, ऐसे आप मुंडी घुमा रहे इधर से उधर, ऐसे घुमा सकते हो। तो किसकी वजह से हो रहा है ये? अगेन इसी की वजह से हो रहा है ये वर्टिब्रल। तीसरा अलाउ फ्लेक्शन ऑफ द बैक एंड बॉडी। फ्लेक्शन का मतलब चलिए हम झुकते हैं, जैसे ऐसे करके आप झुक रहे हो या पीछे एक्सरसाइज कर रहे हो वैसे करके, वो किसकी वजह से हो रही है? हमारी वर्टिब्रल कॉलम की, है ना। जब भी आपकी पेन होता है आप कहते हैं झुका नहीं जा रहा है, कमर दर्द है, इसी वजह से। आल्सो सर्वेस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर रिब्स। देखो 12 पेयर ऑफ रिब्स होती है इस तरह से, जिसे आप पसलिया कहते हो, है ना, फ्रंट पार्ट में होती है, पीछे को जाके जुड़ती है। तो वहां पे जाके कहां किस जगह जुड़ती है? हमारी इसी में जुड़ती है बेटा, वर्टिब्रल कॉलम। आज की डेट में बात करेंगे पेल्विक गर्डल के बारे में। देखो बेटा, पेल्विक गर्डल जिसे आप इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं हिप बोन भी होती है। किस तरह हमारा पेल्विक गर्डल दिखता है, कौन कौन सी बोन उसमें होती है, कैसे स्ट्रक्चर है, कहां पे होता है, सब हम जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बेटा पेल्विक गर्डल जनरली कौन सा हिस्सा होता है पेल्विक गर्डल का? देखो कि दो पैर है बेटा, ये आपकी फीमर है, थाई बोन कहते हैं, जहां पे आपकी थाई बोन जाकर जुड़ती है स्केलेटन सिस्टम में, है ना। अपर पार्ट मैंने बनाया नहीं, तो जिस पार्ट में जाके जुड़ती है, देखो ये वाला पार्ट कहलाता है मेरा पूरा पेल्विक गर्डल। अब ये पेल्विक गर्डल या फिर हिप बोन किस किस चीजों से मिलकर बनी होती है? पेल्विक गर्डल की डेफिनेशन देखिए, इट इज अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ टू कॉक्सल हिप बोन्स ईच फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ तीन छोटी छोटी बोन्स से मिलकर बड़ी होती है हमारी एक बड़ी हिप बोन। बात समझ आ गई? ठीक है, कौन सी तीन बोन्स है वो? पहली हमारी इलियम, दूसरी हमारी एशियम, तीसरी हमारी प्यूबिक या फिर प्यूबिस। एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। देखो इलियम के लिखा है इट इज द अपर मोस्ट लार्जेस्ट बोन फिक्स्ड विद एशियम एंड प्यूबिक बोन, इट इज अटैच्ड टू द सैक्रम। अब आप इस डायग्राम में देखो, हम बात कर रहे हैं, देखो सबसे अपर मोस्ट बोन कौन सी? इलियम। किस किस से जुड़ी है? देखो ईशियम और प्यूबिक बोन से। ये मेरी ईशियम बोन है, देखो यारी ये मेरी प्यूबिक बोन है, और ये कौन सी जुड़ी है इसके साथ? इलियम। तो बात समझ आई? ये तीनों देखो, इलियम, ईशियम और प्यूबिक, ये मिला के ही हमारी क्या बनाती है? हिप बोन। तो ये बात समझ आई इलियम बोन के बारे में। फिर चलते हैं हम सेकेंड बोन, यानी जो हमारी ईशियम है, इट इज द लोअर एंड बैक पार्ट ऑफ पेल्विक गर्डल, इट इज सिचुएटेड बिहाइंड द प्यूबिक बोन। ये देखो ये वाली बोन जो हमारी ईशियम बोन जो है, कहां पे? ये देखो, अब जनरली आपको दिख रहा होगा कि यार इस तरह से आगे को है, जनरली आगे को नहीं बेटा, पीछे को है, इस तरह से है, और पीछे को ना ऐसे करके जुड़ी होती है, ऐसे करके। बात समझे ना? ये देखो ये इलियम बोन हो गई, ये जो हमारी ईशियम बोन पीछे से ऐसे करके जुड़ी होती है, तो ये हमारी ईशियम बोन हो गई। तीसरी बोन हमारी है प्यूबिक या फिर प्यूबिस, इट इज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ पेल्विक गर्डल, द टू हाफ्स ऑफ पेल्विक बोन्स आर जॉइंड इन द मिडल बाय एन एरिया ऑफ कार्टिलेज कॉल्ड प्यूबिक सिम्फिसिस। प्यूबिक बोन जो हमारी बेटा फ्रंट में होती है, देखो ये हमारी प्यूबिक बोन है, देखो एक लेफ्ट हैंड साइड का ये पार्ट है, एक राइट हैंड साइड का, तो ये वाली प्यूबिक बोन है। और ये किस तरह से आगे से जुड़ी है? इससे जुड़ी है प्यूबिक सिम्फिसिस के। अब जो प्यूबिक सिम्फिसिस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी चीज में बेटा। जनरली आप मान लो कोई आपको कोई स्केल्टन देखो, आपको हड्डियों का ढांचा देखो, और आप देखते हो यार आईसीआईडी वाले, फोरेंसिक वाले, या पुलिस वाले, या क्राइम ब्रांच वाले जो भी है, वो आपको आइडेंटिफाई करके बता देते यार मेल कंकाल है या फीमेल कंकाल है।
तो सोचने की बात यह है उनको पता कैसे चलता है कि मेल कंकाल है या फीमेल के बॉडी है। जनरली देखो बेटा, ये जो हमारा ये जो एरिया ऑफ कार्टिलेज होता है जिसे हम कहते हैं प्यूबिक सिंपेसिस, जब आप मेल्स की बात करोगे ना तो उसमें एंगल देखो इतना का होता है इस तरह से, मतलब ये प्यूबिक सिंपेसिस एक्चुअली क्या है, फ्लेक्सिबल होता है। और गर्ल्स में ज्यादा, ये फीमेल्स में क्या होता है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, जिसकी वजह से ये डिलीवरी करने में मदद करता है। तो अगर ये प्यूबिक सिंपेसिस का एरिया ज्यादा बड़ा है तो वो क्या करेंगे, फीमेल्स का है, अगर मेल वाला है तो उसका बेटा एंगल कम होगा, ये क्योंकि ये बोन ऑफ कार्टिलेज होता है। इसी की वजह से हम पैरों के मूवमेंट आ सकते, पैरों खोल सकते हैं आराम से, और डिलीवरी में जनरली बेबी के डिलीवरी में ये मदद करता है फीमेल्स में, ये ज्यादा ब्रॉडन होता है एज कम्पेयर टू मेल्स। बात समझ आ गई, ठीक है। तीन हड्डी हो गई, यानी इलियम, ईशियम और प्यूबिस क्या बनाती है हमारी बोन। और इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, देखो एक है ऑब्ट्यूरेबर ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, अ लार्ज ओपनिंग इन द हिप बोन बिटवीन प्यूबिस एंड ईशियम। ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन बेटा जनरली मैं इसमें बात करूं तो देखो ये खाली स्पेस जो है ना, ये देखो यहाँ पे और यहाँ पे खाली स्पेस होता है, खोखला होता है अंदर से, यहीं से जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं, जितनी मेरी ब्लड वेसल है, नर्व्स हैं जो हमारे पैर को जा रही होती है, देखो खोखला सा होता है इस तरह से, तो उसके अंदर से पास होती है, इसे क्या कहते हैं बेटा, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। नेक्स्ट पे चले हम, है कॉकिक्स और टेल बोन। टेल बोन और कॉकिक्स जनरली देखो ये वाला हिस्सा है, आजकल के जमाने में देखो एसेंशियल नहीं है, देखिए ना को इसका यूज रहेगा ना, अभी वेस्टिजियल ऑर्गन मानते हैं, वेस्टिजियल वो ऑर्गन होते हैं जो अब यूजलेस हो गए पहले के टाइम पे, क्योंकि पूछ वगैरह होती थी बहुत टाइम पहले, इसलिए वो फंक्शनल थे, अब वो नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है। लास्ट मेरा है सैक्रम। सैक्रम होता है ट्राइंगुलर बोन जस्ट बिलो द लुम्बार वर्टिब्रे। वर्टिब्रे वाली वीडियो मैंने आपको बताया था कि लुम्बार वर्टी होता है, उसके जस्ट बिलो देखो यहाँ पे एक सैक्रम है। बात समझ आ गई, एक एक करके दोबारा मैं आपको बता दूं। एक चीज और इंपॉर्टेंट जानो, देखो प्यूबिस, ईशियम और इलियम तीन हिप बोन है हमारी, तीनों एक जगह पे तो जुड़ेंगी कहीं पे कहीं, बेटा ये देखो कहीं ना कहीं किसी जॉइंट पे, ये देखो ये वाली बोन तीनों एक जगह जुड़ी है, ये जगह देखो, इस जगह को हम कहते हैं एसिटाबुलम। एसिटाबुलम वही जगह है जहां पे हमारी थाई बोन होती है, जैसे खोखला सा होता है, इसके अंदर जाके ऐसे करके जुड़ जाती है हमारी थाई बोन, देखो यहाँ पे, ठीक है। और एसिटाबुलम को जनरली मतलब होता है उसका हिंदी में या इंग्लिश में विनेगर कप। बात समझ गए बेटा, इस तरह समझ आ गया। एक बार दोबारा रिकैप करें, पेल्विक गर्डल बना होता है तीन बोन से, यानी हिप बोन, यानी इलियम, ईशियम और प्यूबिस, तीनों की तीनों एक जगह जुड़ी होती है, जिस जगह वो जुड़ी होती है उसे कहते हैं एसिटाबुलम। ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन वो खाली स्पेस है जहां से ब्लड वेसल जाएंगे पैरों की तरफ को या फिर नर्व्स पास होंगी। कॉकिक्स हमारे टेल बोन है, और क्या क्या इसमें, प्यूबिक सिंपेसिस वो एरिया है जो जनरली डिसाइड करता है मेल और फीमेल में, मेल में थोड़ा सा कम एक्सटेंडेड होता है, फीमेल में ज्यादा एक्सटेंडेड होता है, और डिलीवरी में मदद करता है। इस वीडियो में करेंगे इतना ही, इससे आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।